Assalamualaikum दोस्तों, मैं हूं शेफ इकबाल शाह। आप देख रहे हैं शेफ 21 ऑन K21 News। खुशामदीद कहते हैं दोस्तों, रोजाना लाइव होते हैं शाम 6 से 7, रिपीट सुबह 11 से 12 बजे तक। और दोस्तों कहते हैं ना कि जिंदगी का बुनियादी मकसद खुशी का उसूल है। मायूसी से आपके आसाब जख्मी हो जाते हैं। जिंदगी में आप जो कुछ करते हैं, चाहे कोई बहुत अच्छी जॉब हासिल करना चाहते हो, कारोबार अच्छा करना चाहते हो, या और कोई मकसद हासिल करना चाहते हो, शादी हुए, जो कुछ हो, इन दी एंड उसका बुनियादी मकसद खुशी का उसूल ही होता है। तो आई थिंक जिंदगी में खुश रहना बहुत जरूरी है। और खुश रहने की बात की जाए तो बेस्ट जो चीज़ होती है वो शुक्रगुजारी। जब आप सच्चे दिल से कहते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तो आई थिंक ये वो अल्फाज ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से आप इत्मीनानियत का इजहार करते हैं, जिससे आपकी जिंदगी जरूर बेहतर होती है। इसके साथ ही खुश आमदीद कहते हैं दोस्तों। आज जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं यकीनन आपको बहुत मजे के सॉफ्ट और आला तिल वाले बन नजर आ रहे होंगे, ठीक है। और बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि आज शायद कोई बर्गर कर रहे हैं तैयार, लेकिन ऐसा नहीं है। आज दो जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो हमें यकीन है आपको अच्छी लगेगी दोस्तों। बिल्कुल, आज बना रहे हैं हम कीमा ब्रेड पिज्जा, ठीक है। कीमा ब्रेड पिज्जा लिखा होगा उसमें, आप चाहें कीमा ब्रेड पिज्जा बनाएं या उसी से आप चाहें तो कीमा बन पिज्जा भी बना सकते हैं, ठीक है। जस्ट आप बन की जगह ब्रेड लीजिए तो कीमा ब्रेड पिज्जा हो जाएगा। और जब बन का इस्तेमाल करेंगे जिस तरह हम कर रहे हैं तो ये कीमा बन पिज्जा हो जाएगा, ठीक है। बाकी दिग्गर अज्जा देख लीजिए। और साथ ही आज बात सिर्फ कीमा बन पिज्जा की नहीं होगी, बल्कि साथ ही हमने एक बहुत मजे की चावल की चाट भी बनानी है बाय यूजिंग आवर योप राइस, ठीक है। तो कीमा बन पिज्जा के लिए बन मौजूद है। अच्छा, सवाल का बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। सवाल दोस्तों से इतना सा है कि यहाँ मौजूद है हमारे पास लेमन, ठीक है। और विदाउट एनी डाउट कुछ माहरीन कुछ रिसर्च के मुताबिक लेमन जो होता है दोस्तों कैंसर से भी फाइट करता है। विटामिन सी हासिल करने का बेहतरीन जरिया इसकी कहवा चाय जरूर पीजिए। इसकी जो ड्रिंक होती है नींबू पानी गर्मी में लाइट केबल से बहुत अच्छा होता है। लेकिन सवाल इतना सा है कि लेमन के अंदर कौन सा एसिड होता है, लेमन के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है। इस सवाल का जवाब देंगे लेमन के अंदर कौन सा एसिड होता है कॉल करके, पार्टिसिपेशन का सिलसिला जारी रहेगा। बन मौजूद है कीमा बन पिज्जा के लिए। साथ ही दोस्तों आज हमने कीमा लिया बीफ का, ठीक है। लगभग कोई आधा किलो हाफ के जी बीफ का कीमा, ठीक है। बीफ कीमा बीफ मीन्स हाफ के जी आधा किलो। आप चाहें तो मटन में फिश में, और आप चाहें तो डेफिनेटली फिश में भी बना सकते हैं, मटन में भी, चिकन में भी, जो आप भी यूज करना चाहें। बाकी अज्जा में सूखी मेथी मौजूद है। अच्छा फ्लेवर लाएगी चालस में। नमक सॉल्ट यकीनन अज्जा जहाँ से जायकी की इब्तदा हुई, पिसी हुई लाल मिर्च रेड चिली पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला दोस्तों, अदरक लहसुन पिसा हुआ, हल्दी पाउडर और केचप भी यूज करना है। दो तरह की चीज मौजूद है, चेडर एंड मोज़रेला, दोनों इसी के अंदर हमने शामिल करनी है, चेडर चीज भी और मोज़रेला भी, कुछ वेजिटेबल्स भी, टमाटर मिर्ची जिसमें हमने शामिल करना है। प्रोसेस का आगाज करते हैं, पहले बन को करते हैं टोस्ट, और ठीक है बन रखा और हमने टॉस करना है, ठीक है। और दोस्तों कॉलर मौजूद है, बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इकबाल भाई, मंजूर इलाही कोर्ट बलारी पूर से शेफ 21, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक मंजूर इलाही साहब, कहाँ हैं आप इतने दिनों से? सर मैंने आपको बताया था, एक तो जरा एमसीआर से कि ये मेरी आवाज आपकी जरा मुझे बहुत कम आ रही है, बेहतर हो जाए। जी जी अब सही है, अब ठीक है। तो बताया था कि मैंने कहीं जाना था, फिर बीच में मेरी सासू माँ का इंतकाल हो गया, फिर इस तरह ही मतलब है कि वो गुजरता रहा, दो हफ्ते तीन इसी तरह गुजर गए जनाब। कौन सी सासू माँ का इंतकाल हुआ, पहली वाली या दूसरी वाली? जी पहली वाली वाइफ की। बस अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में आला। बस बड़ी मेहरबानी, आप सुनाए मुझे बताएं मेरी पीसीआर एमसीआर की टीम और बाकी कैमरामैन सब लोग कैसे हैं? जी जी पीसीआर एमसीआर टीसीआर कैमरामैन सब बहुत खुश हैं, एक्साइटेड हैं, और आज कीमा बन एंजॉय करने वाले हैं। मेरे तमाम K21 के देखने वाले व्यूज कैसे हैं? जी दोस्तों कैसे हैं आप, मंजूर लाई सब पूछ रहे हैं आप सबसे। जी बिल्कुल सब बहुत खुश हैं। अभी आएंगे, कॉल भी आएगी, सब इंशाल्लाह बताएंगे अपनी खैर अखरियत। तो माशाल्लाह से जबरदस्त
मैं कल जब मैं इस्लामाबाद पहुंचा हूं जी, तो कल के पिछले एक दो एपिसोड आपके मैंने देखे हैं, तो माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारी रेसिपी आई हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। मैं कहता हूं आपने बहुत आसानी पैदा की इकबाल भाई, और अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। अल्लाह ताला आप इसमें बड़ी, जो मैं कहता हूँ कि जो हमारी बच्चियों के लिए, हमारे घर में हमारी खवातीन के लिए जो आप एक रेसिपी और एक आसान जो लेके आते हैं ना, वो उनके दिलों से जो दुआएं निकलती है, उसलिए मैं कहता हूँ अल्लाह आपको हर कदम पे कामयाबी नसीब करे, डायरेक्ट जन्नत में ले जाएंगे। अच्छा मंजूर साहब जी, जी सवाल का जवाब देंगे, लेमन के अंदर कौन सा एसिड होता है? किसमें? लेमन, लेमन लेमन नींबू, फायदे बहुत नींबू के अंदर कौन सा? नींबू में, नींबू में कौन सा एसिड होता है जी? जल्दी याद, मुझे अभी नहीं याद, बिल्कुल नहीं याद, नहीं। अच्छा, बहुत आसान है लेकिन मुझे याद नहीं अभी। चले कोई बात नहीं मंजूर साहब, अच्छा लग, खुशी आपसे बात करके, थैंक यू। खुश रहे, शाह आबाद रहे। दोस्तों मंजूर लाई साहब मौजूद है, बंद को हमने टॉस कर लिया लेकिन ब्राउन नहीं किया, हल्का सा बस कलर लाया, ठीक है। अब चलते हैं प्रोसेस की जानिब, और कीमे को गलाना है, वक्त कम है। ऐड करते हैं ऑयल पैन के अंदर, ठीक है, और देख रहे हैं कोई, हमने लगभग 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल शामिल किया, ठीक है, और ऑयल को गर्म करना है आपने अच्छी तरह से। सवाल इतना सा, लेमन के अंदर कौन सा एसिड होता है, और कीमा बन पिज्जा कर रहे हैं तैयार, और एब्सोल्युटली डिफरेंट रेसिपी इसकी, अच्छा लगेगा आपको, मजा आएगा, और आई वुड से डू ट्राई इट, यकीन आपकी इसमें आपकी रेसिपी बहुत ज्यादा इजाफा होगा। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करना है, उसके बाद बीफ कीमा हमने लिया, और बहुत जरूरी है, आई थिंक ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप चिकन कीमा यूज करें या फिश, सब कुछ लेना चाहिए, बीफ भी, मटन भी, फिश भी, तो डेट वुड बी बेटर। ऑयल के अंदर शामिल करते कीमा, दोस्तों ऑयल के अंदर कीमा शामिल करने के बाद जरा से करते हैं मिक्स, ठीक है, इजीली कर सकते हैं आप, और अच्छी तरह से लाना आपने इस तरह से मैश करना तक इसका दाना खत्म हो, कीमे को इसी तरह बुनाई होगी। कीमे के साथ ऐड करते हैं अदरक लहसुन पिसा हुआ, कीमे के बाद शामिल कर रहे हैं, आज जरा डिफरेंट आइटम का मेथड से बना रहे हैं दोस्तों। कीमे के बाद हमने अदरक लहसुन शामिल किया, अदरक लहसुन का अपना तो सबसे जायका ना हो लेकिन खाने में बहुत अमेजिंग फ्लेवर लाता है, ठीक है। कीमे के बाद अदरक लहसुन शामिल किया, और इस तरह आपने से बिल्कुल मैश कर लेना ताकि कीमा बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद क्या करना है, कुछ टमाटर हमने प्याज ऐड करनी है, अनियन भी, ठीक है, और लेकिन अनियन से पहले आपने कोशिश ये करनी है कि पहले भून लेना अदरक लहसुन सॉल्ट और कीमे को ऑयल के अंदर, ठीक है। प्रोसेस जारी दोस्तों, के साथ ही वक्त छोड़ से ब्रेक का, ब्रेक के बाद इस रेसिपी को आगे चलते हैं, और कीमा बन पिज्जा, और साथ ही राइस की चाट करनी है तैयार, अपने साथ रहना है, रिमोट को बिल्कुल टच नहीं करना क्योंकि यही वो शो है, यही वो चैनल है जो आप देखना चाहते हैं। लेफ्ट का ब्रेक, मिलते हैं आपसे वक्त के बाद। आइए दोस्तों, वेलकम बैक टू शो, वन मोर टाइम खुश आमदीद कह रहे हैं, बन पिज्जा कर रहे थे यार, कीमा बन पिज्जा, और पार्टिसिपेशन का सिलसिला जारी। सवाल पूछा है कि लेमन के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, इसके लिए दोस्तों कीमे में हमने आगाज में ऑयल में अदरक लहसुन शामिल किया, उसके बाद कीमा शामिल किया, कवर किया था ताकि बीफ का कीमा अच्छी तरह से गल सके, और ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि बीफ में आपने कौन सा पार्ट लिया। अंडरकट बेस्ट होता है, अगर अंडरकट ना हो आपके पास तो रान का गोश्त जल्दी गलता है, ठीक है, जो इजीली गल जाते हैं, बाकी मीट के पार्ट
जल्दी गलते नहीं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए वही पार्ट हो जो गल जाए, और अच्छी तरह से आपने भून लेना है, ठीक है, क्योंकि इस तरह एक तरह से फ्राई हो रहा है ताकि अच्छी तरह से गल जाए, ठीक है, और इसका वही फ्लेवर जायका बन सके जो बनाना चाहते। भी देखिए ऑयल में हमने अदरक लहसुन और कीमा ही शामिल किया, और कुछ अभी तक इसमें हमने शामिल नहीं किया। इसी के अंदर दोस्तों इसी कीमे में हम जरा सा और पानी शामिल करते हैं, कोई आधा कप, और धीमी आंच पर से हम करते हैं कुक, करते हैं कवर तक अंदर से गले। टमाटर ऐड करते हैं, ठीक है, और दोस्तों कभी भी कोशिश कीजिए, एक तो वॉश अच्छी तरह से कीजिए, और जो अगर हॉल बना हुआ वेजिटेबल में सुराख बना हुआ हो जो सही ना हो उसे यूज ना करें, चाहे वेजिटेबल हो, अंडा हो, ठीक है, या फ्रूट हो, ठीक है, कटा हुआ होता है या अगर उसके अंदर सुराख होता है उसमें बहुत तेजी से बैक्टीरिया डेवलप होते हैं जो खतरनाक हो सकते हैं सेहत के लिए। टमाटर करें स्लाइस। मिसेस यूसुफ आ चुकी हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं गोपाल भाई? ठीक ठाक मिसेस यूसुफ जी, कैसे आप बताइए? मिसेस यूसुफ कराची से। जी जी, कैसी हैं मिसेस यूसुफ जी? बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाए? बस परफेक्ट। यूसुफ साहब कैसे हैं? जी वो भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं पहले आपके सवाल का जवाब दे दूं? जी प्लीज। ये एसिटिक एसिड होता है? कौन सा? एसिटिक एसिड। अच्छा ठीक है, सिट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड। ओके जी। और क्या कहेंगी मिसेस यूसुफ जी? हेलो। जी जी बिल्कुल, आपका जवाब नोट कर लिया है, और कुछ कहना है आपने? मेरी विश होगी कि मैं विन करूं आज। सॉरी, क्या फरमाया आपने? थैंक यू, बहुत शुक्रिया दोस्तों। ऐसे देखिए पानी ड्राई होता जा रहा है, और ऐड कर रहे हैं ताकि, ठीक है, और जरा सा और इसके अंदर पानी ऐड करते हैं, ठीक है। एक तरह से आपने पहले भून लिया था अदरक लहसुन ऑयल में, उसके बाद पानी शामिल कर रहे हैं और इस तरह से इसे गला रहे हैं। टमाटर का सिलसिला जारी है, बाकी मसाले भी शामिल करने हैं, और रस भी शेयर कर रहे हैं आपके साथ, और राइस की चाट भी बना रही है इंशाल्लाह। सवाल है वो सिर्फ लेमन के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? ठीक है, टमाटर स्लाइस कर रहे हैं, इसके भी दो पीस, देन स्लाइस, और ये स्लाइस टमाटर ऐड करते हैं इसी के अंदर, ठीक है। देखना अच्छे खासे टमाटर हैं, और इसे आपने मिक्स करना है कटाकट की तरह, जिस तरह मैश होता है मैश करना आपने, ठीक है। बाकी मसाले शामिल करते हैं दोस्तों, नमक हसबे जायका, लाल मिर्च पाउडर कोई आधा चाय का चमचा या अपनी मर्जी के मुताबिक, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून। हल्दी के दोस्तों बहुत फायदे, ठीक है, शामिल करने के बाद नमक, हल्दी, लाल मिर्च ऐड करने के बाद मिक्स इट वेल, कुछ देर के बाद बाकी इसमें चीजें ऐड करनी है, और से आपने टमाटर को आपने इस तरह कोशिश करना है कि मेल्ट कर लेना, ठीक है। पहले भून लेते हैं जरा अच्छी तरह से। लेमन के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? और देखना आप जवाब दे रहे हैं कॉल करके, अच्छी तरह मिक्स करना है और इस तरह आपने मैश करना है। इस तरह से आप कर सकते हैं, कुछ देर से जरा सा कवर कर लेते हैं ताकि अंदर तक ये सॉफ्ट होगा, ठीक है। बन हम टॉस कर चुके थे और बाकी चीजें वेट करनी है, और जाहिर है बन पिज्जा एज वी आर मेकिंग, तो बन में इसकी अकॉर्डिंग टॉपिंग करने के बाद इसे हमने बेक करना है, ठीक है, तो इसे कवर करना है कुछ देर के लिए, ठीक है। जरा सी सफाई, और कुछ ग्रीन चिलीज भी ऐड करनी है दोस्तों, जिससे और जरा चटपटा होगा और मजे का हमारा कीमा होगा तैयार, ठीक है। कुछ मिर्चे लेते हैं, ग्रीन चिलीज, एक दो तीन, और इसे हम चॉप करके शामिल करते हैं अच्छे से। वॉश किया, इस तरह आपने चॉप करना दोस्तों। कॉलर भी हैं, बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक मैडम जी, आप बताइए कौन बात कर रही हैं आप? मैं फरजाना शाकिर बात कर रही हूँ, और आप ये रेसिपी बड़ी अच्छी जबरदस्त बनाई है आपने।
बहुत शुक्रिया फरजाना जी, करूंगी मैं फिर बताऊंगी आपको ना, बहुत अच्छी है रेसिपी। जी जी इंशाल्लाह जरूर ट्राई कीजिए। और मैं जवाब देना चाहूंगी, लेमन के अंदर जो है ना सिट्रिक होता है। कौन सा? सिट्रिक। ओके जी, ओके जी, बिल्कुल आपका जवाब नोट कर चुके हैं जी। और आप ये रेसिपी में इंशाल्लाह रमजानों में भी ट्राई करूंगी और अभी एक दो दिन में करने वाली हूँ। जी जी जरूर, रमजानों की आमद आमद है इंशाल्लाह, शहरों अफ्तार में बहुत आला रेसिपी। बिल्कुल, और पूरी टीम को मेरी तरफ से सलाम, बहुत सी दुआएं, बहुत अच्छा काम आप माशाल्लाह कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आपका प्रोग्राम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और कहा जा रहा है, एक दफा फिर से आप जवाब रिकॉर्ड करवाइए अपना, फरजाना शाकिर जी जा चुकी है। थैंक यू दोस्तों, इस तरह कीमा और मिक्स, और मिक्स करना आप लोग ठीक है। आहिस्ता से टमाटर में मेल्ट हो रहे हैं और मजे का जहर है, गोश्त का भी अपना पानी होता है, और इस तरह आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसी के अंदर कुछ हमने ग्रीन चिली शामिल करें, जो जिस तरह हम कटाकट में करते हैं ठीक है। ज़रा चटपटा बनाएंगे तो ये जो पिज्ज़ा जो आज शेयर करने जा रहे हैं, बन पिज्ज़ा, हमें यकीन आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। अच्छी तरह से मिक्स करना है ठीक है, लेकिन पहले गलाना अच्छी तरह से, उसके बाद देखिए प्रोसेस जारी है। और साथ ही हमने राइस की चाट भी करनी है तैयार ठीक है, चावल की चाट भी करनी है तैयार। ऐड करते हैं जरा सा और ऑयल ठीक है, ग्रीन कोरिएंडर, हरा धनिया ठीक है, जरा सा करते हैं चॉप, और इसी में हम शामिल करते हैं ठीक है दोस्तों, हरा धनिया भी शामिल किया, कोशिश कीजिए स्टिक्स के साथ ही ऐड करना है ठीक है। और से करते हैं जरा सा मिक्स, साथ ही दोस्तों वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं, बहुत ही खास बन पिज्जा एंड राइस चाट भी करने तैयार। वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, दूर रहकर भी विदाना थे ना यादों में है ना, लेट्स टेक अ ब्रेक, मिलते हैं आपसे वक्त के बाद। आइए दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर शो, वन मोर टाइम खुशामदीद कहते हैं, आप देख रहे हैं शेफ 21 ऑन K21 न्यूज, और कीमा बन पिज्जा कर रहे थे यार। दोस्तों कीमे के लिए हमने आगाज में देख सकते हैं इसकी खुशबू बहुत ही आला ठीक है, मीट अच्छी क्वालिटी का हो तो यकीनन बहुत मजे का इसका फ्लेवर आता है, तो काफी मजे का अच्छे से मीट है। प्रोसेस जारी, हमने ऑयल में आकर लहसुन ब्राउन किया, उसके बाद कीमा शामिल किया, अच्छी तरह से भुनाई की, लेकिन भुनाई के बाद उसमें टमाटर शामिल किए, नमक, हल्दी, और साथ ही शामिल की थी हमने पिसी हुई लाल मिर्च। अब ऐड करते हैं इसी के अंदर हम पिसा हुआ गरम मसाला ठीक है, कोई आधा चाय का चमचा आपने पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करना है आप इसमें जी। और साथ दोस्तों इसमें ऐड करते हैं सूखी मेथी ठीक है, कसूरी मेथी। और एक कॉलर है शबाना जी, बहुत देर से इंतजार कर रही है, बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है शबाना जी? क्या हाल है? ठीक ठाक आपका? हाँ हाँ परफेक्ट, आप बताइए कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत रमजान की एडवांस में मुबारकबाद दे रही हूँ। खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा आज के सवाल का जवाब दूंगी जी जी, प्लीज प्लीज। सैट्रिक एसिड है लेमन में, कौन सा होता है लेमन में एसिड? सैट्रिक एसिड। अच्छा अच्छा ठीक है, आपका बिल्कुल जवाब नोट किया। और शबाना जी और बताइए कोई फरमाइश है, क्या कहना चाहेंगी आप? ये हमें ना रमजान में चटनी और मसाले, चाट मसाला और ये सब चीजें हमें बताइएगा।
ठीक है ठीक है ठीक है, जो आपका हुक्म जरूर बनाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। तो शबाना जी मौजूद रही और कीमे को हमने दम पर रखा है, अच्छी तरह से गला लेना है, ठीक है। उसके बाद इसके हमने पिज्जा बन पिज्जा करना है, तैयार से दम पे रखा है, ठीक है। गलाने की बात की जाए तो बहुत से लोग ये नहीं जानते, वो गलाने के लिए तेज आंच पर भुनाई करते हैं। जो सही तरीका नहीं हो तो कोशिश कीजिए, जब चूल्हा कम रखिए और उसे कवर कीजिए तो अच्छी तरह से गल जाता है। पानी लिया था आगे दोस्तों, और अब कर रहे हैं बहुत ही खास आड़ियो राइस से तैयार। आलू की चाट आपने सुना होगा, चने की चाट और काफी चाट बनती है, फ्रूट चाट, लेकिन आज बना रहे हम चावल की चाट दोस्तों, राइस की चाट। बिल्कुल, वी आर मेकिंग द राइस चाट ओवर हियर ऑन K21 News Chef 21 पे। और हमने आर्योब में दोस्तों लिए थे एक प्रीमियम क्वालिटी डबल स्टेक राइस जो ग्रीन पैकेट में मौजूद है, ठीक है। एक पाव चावल है, इसे हमने उबाल लिया था, ठीक है, बॉइल कर लिया था। देखिए एक दाना इसका लेता लेता है। इस राइस को ऐड करते हैं हम मिक्सिंग बाउल में, ठीक है दोस्तों। राइस की चाट के लिए राइस को ऐड करते हैं बाउल में, राइस की चाट के लिए राइस को ऐड करें बाउल में, ठीक है। और इसकी चाट काफी चटपटी बनानी है, ठीक है। इसमें कुछ सब्जियां ऐड करनी है, वो हम काट लेते हैं जो हमें चाट में ऐड करनी है चावल, ठीक है। कुछ कैबेज है, स्प्रिंग अनियन है, कैप्सिकम है, ठीक है। और ये काफी चटपटी चावल चाट होगी तैयार। ये बंद गोभी इस तरह से आपने काट लिया दो पीस की, उसके बाद आपने बंद गोभी के चार पीस करने और बहुत ही फाइन इस तरह आपने जूलिन किया। उसके बाद टर्न करने के बाद आपने चॉप कर लेना। और दोस्तों कैबेज के साथ बाकी वेजिटेबल भी ऐड करें, कीमा हो रहा है, गलने का प्रोसेस जारी। कीमे की हम ये बन पिज्जा कर रहे हैं तैयार, मुस्कान आ चुकी है, बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। अब ठीक आ रही है मुस्कान? हाँ ठीक आ रही है, मगर बहुत डिस्टर्बेंस आ रही लाइन में। अच्छा अब सही है? जी जी, क्या कहेंगी मुस्कान? अब आपकी आवाज बहुत कट रही है। अच्छा कट रही है, हम छोड़ा। अब सही आ रही हूँ की आवाज आपकी, अब सही है? मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज, सिट्रिक एसिड होता है लेमन में। ठीक है मुस्कान, बिल्कुल जवाब नोट कर चुके हैं। और कुछ कहना है? नहीं मुझे कुछ नहीं कहना। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मुस्कान। दोस्तों आई और जवाब रिकॉर्ड करवाया। चावल की चाट में हमने राइस में कैबेज ऐड की, टमाटर कर रहे हैं जॉब हो रही है। देखिए टमाटर को हम इस तरह स्लाइस किया, उसके बाद रफ चॉप करना है। क्या रफ चॉप कीजिए, फाइन चॉप कीजिए, मर्जी आपकी, ठीक है। एक टमाटर, एक और टमाटर लेते हैं, ठीक है। और एक जो दूसरा टमाटर, ये हमने आधा शामिल करना है। आप लिया ले कट लगाना इस तरह, उसके बाद इस तरह आपने चॉप करना है। तो कैबेज के बाद ये चावल की चाट के लिए टमाटर भी शामिल किए, ठीक है। लेते हैं कैप्सिकम, शिमला मिर्च इस तरह काट लिया, सीडलेस किया। और लेमन के अंदर कौन से एसिड पाया जाता है, इतना सवाल है हमारा, ठीक है। दोस्तों शिमला मिर्च को भी आज चॉप ही करना चाह रहे थे, कट देन चॉप। कैबेज, टमाटर और शिमला मिर्च भी शामिल की इसी के अंदर, साथ ही ऐड करते हैं हरा धनिया, ग्रीन कोरिएंडर। इस तरह से आपने चॉप करना, रफ चॉप करना, ठीक है। और ये धनिया भी दोस्तों इसी के अंदर शामिल किया, अच्छी तरह से टॉस करना है, मिक्स करना है, ठीक है, राइस के चाट के लिए। उसके बाद दोस्तों इसी के अंदर ऐड करते हैं हम दही, फ्रेश योगर्ट को 1 कप, 1 कप शामिल की दही। दही के बाद बाकी मसाले, नमक हसबे जायका। और याद रहे कि अगर आपने चावल को उबालते हुए नमक शामिल किया था तो उतना अच्छे की बैलेंस हो जाता। नमक हसबे जायका, लाल मिर्च कुटी हुई शामिल की, काली मिर्च कुटी हुई शामिल की, करते हैं अच्छी तरह से मिक्स। आप लीजिए छोटा सा ब्रेक, और दोस्तों और ब्रेक के बाद चाट को फाइनलाइज करते हैं और बहुत ही आला कीमा बर्गर भी करने तैयार।
तो बल्कि देखिए ये तो तैयार हो चुका है, इसको हम प्लेटर में निकालते हैं। टॉप पर पापड़ी बेट करनी है, चाट मसाला भी, और ये बन पिज्जा भी करने तैयार। वक्त तो छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। आइए दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर शो। कीमा हमारा चटपटा मजे का टेम्पटिंग हो चुका है तैयार। चूल्हा करते हैं बंद, राइस चाट हो चुकी थी तैयार। राइस चाट के टॉप पर आपने जो ये क्रिस्पी, जो हमारी जो ये पापड़ी जो होती है, तो जिस तरह से आपने रखी, ठीक है। और डिफरेंट रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। चावल की चाट आज हमने ट्राई की। चाट मसाला एड करते हैं दोस्तों ऑन द टॉप ऑफ चाट, विच विल मेक इट मोर यमी, ठीक है। और साथ ही जो हमारा जो बन टोस्टेड है, इसकी हम फिलिंग करते हैं जो कीमा चटपटा तैयार किया था। उससे पहले ऐड करते हैं इसी के अंदर जरा सा टमाटो केचप, ठीक है। इससे जो कीमा और ज़्यादा जूसी होगा, मज़े का होगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि चम्मच की मदद से इसे आपने कोटिंग करनी है। और असमत मौजूद हैं, कॉल पर उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी असमत जी, क्या हाल है जी? बिल्कुल ठीक ठाक। यूनिक चाट है राइस, युवा जबरदस्त मजा आ गया देख के, है ना जी? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी लग रही है। और कीमा भी वाकई बहुत अच्छा बनाया आपने, इंशाल्लाह ट्राई करूंगी। और ये चाट तो जरूर करूंगी क्योंकि बिल्कुल अलग सी है। जी जी जरूर, इंशाल्लाह जरूर 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 जरूर। सवाल का जवाब देंगे असमत जी? जी सवाल का जवाब देना चाहूंगी, सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है जी, बिल्कुल आपका जवाब नोट कर चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये है कि आप इसी तरह से हमें बताते रहे और हम बनाते रहे और खाते रहे। और जी मैडम जरूर, रमजान में अच्छी अच्छी डिशेस बनाइएगा, खासतौर पे चटनी, चटनियाँ। जी जरूर जरूर। हाँ, जी और उसमें पकौड़ों वगैरह क्या? जरूर जरूर इंशाल्लाह, जब तक आप जिंदा रहेंगे आपके साथ। जी इंशाल्लाह, थैंक यू, बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये चटपटा कीमा ऐड किया बन के ऊपर। और साथ ही दोस्तों कीमे के ऊपर हमने जो चीज मौजूद है, चेडर एंड मोज़रेला, तो ये ऐड करते हैं ऑन द टॉप ऑफ कीमा कुछ इस तरह से, ठीक है। ये चेडर चीज साथ ही मोज़रेला चीज भी जो ग्रेटेड मौजूद है दोस्तों, ये भी ऐड करते हैं हम कीमे के ऊपर। कोशिश कीजिए बिल्कुल बीच में आपने रखना है ताकि मेल्ट होने के बाद एजेस भी आएगी। और उसके बाद इसे हम ले चलते हैं अवन की जानिब, और कोशिश करना है कि ऊपर वाला पार्ट ऑन रखना है, सिर्फ चीज मेल्ट करनी है। कीमा गला हुआ है, बन टोस्टेड है, सिर्फ चीज मेल्ट करनी है। चीज ये कीमे के साथ बाइंड होगी तो इसे और ज्यादा मजे की निशान होगी। तैयार, चलते अवन की जानिब, ऊपर वाले पार्ट में रखा। कुछ ही देर में इंशाल्लाह ये चीज मेल्ट होने के बाद बहुत ही खास चीज होगी तैयार। ये हमने चावल की चाट, आलू चाट खाई हमने चने की, लेकिन चावल की चाट हमने बनाई बहुत काला बाय यूजिंग आरियो राइस, जो चावल की दुनिया में अपना एक चीज, चाहे इसमें आप जरनिगार यूज कर सकते हैं जर्दे में या बाकी चीजों में, ठीक है। और आज हमने दोस्तों ये डबल स्टीम यूज किए ग्रीन वाला, ठीक है। और आप चाहें तो इसमें हवा में भी यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके अलावा खास मौजूद जो यकीन वाकई बहुत खास है, बाकी अवामी और खास की बात की जाए तो बस वॉश कीजिए और यूज कीजिए,
इसे पानी के अंदर सोक करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, जरा सी क्लीनिंग सफाई यकीनन बहुत जरूरी है, सफाई निफ्सीमान। और तब तक हमारी ये मजे की कीमा बन पिज्जा, आप चाहें तो इसे कीमा ब्रेड पिज्जा ही बना सकते हैं। आपको रेसिपी कार्ड में कीमा ब्रेड पिज्जा दिख रहा होगा, तो इस एक रेसिपी से आप दोनों चीजें तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों जाहिदा जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं शेफ साहब? आज तो आप फारिग हो गए, मेरी कॉल उस वक्त लगी है ना। इतना रश है माशाल्लाह आपकी शो में कि जवाब नहीं भाई जी। मोहब्बत है आपकी, प्यार है जाहिदा जी, शुक्रिया। और बताइए कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, बस। क्या कहेंगी मैडम, जवाब देंगे सवाल का? लेमन के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, बिल्कुल जवाब नोट कर चुके। आवाज जरा अब सही है? नहीं, शोर सो नहीं, आवाज तो आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, जाहिदा जी मौजूद रही, साथ रही, और बहुत शुक्रिया बता दी, जवाब नोट कर चुके जाहिदा जी आपका। अवन में हमारे यहाँ बस जैसे चीज मेल्ट होती है उसके बाद निकालते हैं, बैच करते हैं, कीमा बन पिज्जा अपनी जगह बहुत खास। ठीक है, तो बाकी दोस्तों रमजान की आमद आमद, इंशाल्लाह रमजान में सहर अफ्तार के हवाले से हम लाजवाब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, रेसिपीज आपके साथ शेयर करने जाएंगे, शोर होंगे और बहुत 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 कुछ काम करेंगे। और साथ ही जो लोग हमें इंटरनेट की दुनिया में सर्च करना चाहें, शेफ 21 के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, ज़रूर आप लाइक कीजिए। और इसके अलावा अगर बात की जाए, मुझे अगर सर्च करना चाहें तो सिर्फ शेफ एक सिर्फ इकबाल शाह लिखेंगे तो आप सर्च कर पाएंगे जहाँ भी फेसबुक। ठीक है, राइस तैयार है, और राइस करने बात की आरियो राइस की, और लेट्स सी हमारा पिज्जा कहाँ तक पहुँचा। और दोस्तों एक और कोशिश कीजिए कि हमेशा जो किचन में जी ये जो कपड़ा यूज़ करते हैं, हमेशा कॉटन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और दुपट्टा अक्सर लटक रहा होता है मलमल या कोई और, तो वजह बन सकती है आग लगने की। कॉटन यूज़ कीजिए, कॉटन में दुनिया भर में यूज़ होता है, तो ज़्यादा बेहतर होता है। लेट्स सी हमारा पिज्जा कहाँ तक पहुँचा। चीज बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है, कीमा बन पिज्जा की बस कुछ ही सेकंड में या एक मिनट में चीज मेल्ट होगी। उसके बाद पेश करते हैं, दिखाते हैं कि ये फाइनल प्रेजेंटेशन हमारे कीमा बन पिज्जा की कहां तक पहुंची, यकीन आपको अच्छा लगेगा। सवाल पूछा था कि लेमन के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, और थ्रू आउट दी शो आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी रहा, कॉल करके आप पार्ट बनते रहे। ठीक है, और बिल्कुल दोस्तों लेमन के अंदर सिट्रस एसिड पाया जाता है। ठीक है, और बहुत से लोगों ने दुरुस्त जवाब दिए, उनको बहुत 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 बार को विटामिन सी होता है दुनिया भर में लेमन का क्या है। ठीक है, सिट्रिक एसिड, और बाकी दुनिया भर में दोस्तों लेमन से वजन कम करते हैं, कुछ रिसर्च के मुताबिक लेमन कैंसर से भी फाइट करता है। ठीक है, और अब निकालते हैं, पेश करते हैं हमारे बहुत बहुत मुबारक हो जिन्होंने दुरुस्त जवाब दिया। ठीक है, और दोस्तों जो दुरुस्त जवाब दिया शबाना हनीफ जी और मुस्कान, इसके अलावा आयजा और जायदा जी ने मेरे ख्याल दुरुस्त जवाब दिया था। आप असमत जी, आपको भी, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, थैंक यू सो मच, यूर साथ रहने के लिए। अच्छा दोस्तों, अभी ये चलते हैं इसकी जानिब। हो कीमा बन पिज्जा, चीज मेल्ट हो चुकी है, कलर आ चुका है, ले आते हैं इसको आपकी जानिब। हवन करते हैं, मन एनर्जी बचाइए, और कितना अच्छा लग रहा है। एज इट इज भी अगर रखा जाए तो बहुत ही आला, जिस तरह स्टेक की प्रेजेंटेशन की जाती है आप कर सकते हैं, और आप चाहे तो निकाल कर पेश कीजिए, मर्जी पर आपकी मुनसर है, यही ठीक है ना मेरे ख्याल से। ठीक है, तो अब कर सकते हैं कि इस तरह भी कर सकते हैं कि नीचे स्पून ये वुड जरूर रखिए, ये जो कोई भी चीज़ रखिए ताकि ये डायरेक्टली लगेगा। ठीक है, इजीली कर सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। ठीक है, सेट किया इधर से आगे, और ये राइस स्टार्ट किया, चूँकि बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग साथ रहे, थैंक यू सो मच यू ऑल। राइस स्टार्ट हो रही, हमारा बन कीमा बन पिज्जा हो चुका तैयार, बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहें, शाह आबाद रहें, ऐसा भी मोहब्बत का लगाया जाए।